हेलो स्टूडेंट्स, आपका एनएस साइंस क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम मानव का पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, हमने पाचन तंत्र के कुछ अंगों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम उसी के आगे मानव की आहार नाल के दो भाग बताए थे। फर्स्ट आहार नाल था पाचन तंत्र में, सेकंड पार्ट हमने उसका बताया था सहायक ग्रंथियां, पाचन तंत्र की सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां देखा जाए, ग्रंथियां तो दो प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक ग्रंथियां और बाह्य ग्रंथियां। आंतरिक ग्रंथियां उन्हें कहते हैं जो आहार नाल के आंतरिक अंगों से निकलती हैं, जैसे उसमें श्लेष्मा है और आंत में लिपरकूल ग्रंथियां वगैरह, ये सब आंतरिक ग्रंथियों में आती हैं। बाह्य ग्रंथियों में तीन प्रकार की ग्रंथियां आती हैं। बाह्य ग्रंथियों में फर्स्ट में लार ग्रंथि, दूसरा प्रकार है यकृत ग्रंथि, तीसरा प्रकार है अग्नाशय ग्रंथि। ये तीनों बाह्य ग्रंथि में गिनी जाती हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लार ग्रंथि। लार हमारे मुख गुहा में एक मांसल जैसी संरचना या फिर चपटी संरचना पाई जाती है, जिसे जीभ कहते हैं, और इसी मांसल या गूदेदार संरचना जीभ से लार निकलती है। लार एक श्लेष्मा रूपी होती है जो कि भोजन को चिकना घुलनशील बनाने का कार्य करती है। लार एक हल्का क्षारीय प्रकार की होती है। हमारे मानव शरीर में या मुख गुहिका में लार तीन जोड़ी पाई जाती है, जिसमें से मुख्य प्रकार की है पहली, जिसे हम पहली ग्रंथि कह सकते हैं, सब लिंगुअल ग्रंथियां। सब लिंगुअल ग्रंथियां मतलब अधोजिह्वा ग्रंथि। ये जीभ के दोनों ओर एक एक पाई जाती है, जीभ के दोनों ओर एक एक पाई जाती है, इसे बोलते हैं अधोजिह्वा। दूसरी लार ग्रंथि आती है सब मैंडिबुलर ग्रंथियां, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कहां पर? मैंडिबल मतलब जबड़े में, जबड़े के मध्य में मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर होती है, यानी जबड़े की जो ये जबड़ा है इसकी मैक्सिला जो अस्थि है इनके दोनों ओर एक एक होती है। तीसरी प्रकार की ग्रंथि आती है पैरोटिड ग्रंथियां। पैरोटिड ये हमारे इनको कर्णपूर्व पेशियां भी बोलते हैं, और पैरोटिड ग्रंथियों की स्थिति की बात करें तो कर्णों के नीचे अर्थात कानों के नीचे पाई जाती है। लार ग्रंथि में से बनने वाली लार का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन में उपस्थित स्टार्च, अर्थात भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना, यानी लार क्या करती है, स्टार्च का पाचन मुख से ही शुरू कर देती है। लार के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनमें से जल है, एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज, लाइसोसोम, श्लेष्मा, NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड व पोटेशियम बाई कार्बोनेट आदि के आयन भी उपस्थित होते हैं। लार के दो एंजाइम्स जिसमें से एमाइलेज और लाइसोसोम ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। टोल्यून, एमाइलेज को टोल्यून भी बोलते हैं,
टॉयलून। टॉयलून एंजाइम्स स्टार्च का पाचन करते हैं तथा लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में जीवाणुओं को भक्षण या नष्ट करने का काम लाइसोजाइम एंजाइम करते हैं। इनके अलावा लार में कुछ उत्प्रेरक भी पाए जाते हैं, मरकरी, सीसा या आयोडाइड। मरकरी, सीसा व आयोडाइड्स, इनका भी श्रावण लार ग्रंथियों से होता है। लार ग्रंथि में लार कम से कम प्रत्येक दिन 1.5 लीटर का श्रावण लार का होता है। लार ग्रंथि के बाद में अगली ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है तथा यह ग्रंथि का निर्माण अर्थात यकृत ग्रंथि का निर्माण भ्रूण की एंडोडर्म से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यकृत ग्रंथि का निर्माण होता है भ्रूण की एंडोडर्म से तथा यकृत ग्रंथि के भार की बात की जाए तो यह स्वस्थ मनुष्य के अंदर 1.2 किलो से 1.5 किलोग्राम तक होती है तथा इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 15 से 22 सेंटीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। यकृत ग्रंथि तनुपट, तनुपट यानी डायफ्राम, तनुपट यानी डायफ्राम मतलब हमारे इस वाले पोर्शन, डायफ्राम के नीचे दाई ओर यानी दाई ओर लेफ्ट साइड में दाई ओर स्थित होती है। यकृत दो पालियों से मिलकर बना होता है। कितनी पालियों से? दो पालियों से मिलकर बना होता है जिसमें पहली पाली को बोलते हैं दाई पाली या दाया पिंड, दूसरी पाली बाई पाली या बाया पिंड कहलाता है। इन दोनों पिंडों में दाया पिंड या दाई पाली या बाया पिंड बाई पाली में दाया पिंड बाई पिंड की अपेक्षा बड़ा होता है तथा इन दोनों पिंडों के चारों ओर पेरिटोनियम, पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है तथा इन दो पिंडों के अलावा यकृत में दो पिंड या दो पालियां और पाई जाती हैं जिनमें से फर्स्ट है क्वाड्रेट प्रकार का पिंड और दूसरा है क्वाड्रेट प्रकार का पिंड। यकृत के दाएं पिंड या दाएं पाली के नीचे एक थैले नुमा संरचना पाई जाती है जिसे पीताशय बोलते हैं। पीताशय यकृत कोशिकाओं से एक रस निकलता है जिसे पित्त रस कहते हैं। पित्त रस, यह पित्त रस इस थैले नुमा संरचना अर्थात पीताशय में आकर इकट्ठा होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है पित्तरस का भंडारण होता है, पित्तरस का भंडारण पीताशय में होता है। यकृत का निर्माण अनेक पालियों से निर्मित होता है। इन पालियों को संयुक्त रूप से गिलमंस कैप्सूल कहा जाता है या ये गिलमंस कैप्सूल कहलाती है। यकृत कोशिकाएं मिलकर सभी आपस में अर्थात जितनी भी पालियां हैं बाई पाली दाई पाली क्वाड्रेट क्वाड्रेट ये सब पालियां मिलकर कुछ यकृत कोशिकाओं का निर्माण करती है जिन्हें कूपर कूपर कोशिकाएं कहते हैं। कूपर कोशिकाओं को ही मां भक्षाणु कोशिका भी कहते हैं। यकृत के सभी बाहरी कोनों में यकृत नलिका, यकृत धमनी, धमनी आदि मिलकर निवाहिका तंत्र, निवाहिका
तंत्र या त्रक का निर्माण करते हैं। यकृत से पितरस का श्रावण होता है, पितरस पीता समय इकट्ठा रहता है, पितरस हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। इस पित्त लवण के अंदर पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, ओलेसिटीन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। पित्त लवणों में प्रमुख रूप से विलीवाडिन व बिलुरुबिन पाए जाते हैं। यकृत के इन कार्यों के अलावा यकृत का पितरस क्षारीय होता है, जो कि भोजन को अम्लीयता से क्षारीयता में बदलने का कार्य करता है। इससे आमाशय की श्लेष्मिक दीवारों को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नुकसान नहीं होता है। पितरस वसाओं के पाचन में भाग लेता है, इसलिए पितरस को पायसीकरण कहते हैं। पायसीकरण पित्त वर्णक का निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से भी होता है। पित्त भोजन को अम्लीयता खत्म करके क्षारीयता बदल देता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है तथा भोजन में जीवाणुओं को नष्ट करता है। इससे भोजन पर आगे बढ़कर अग्नाशय रस उस पर कार्य कर सके। पित्त रस में कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे फर्स्ट टर्म्स है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब यकृत कोशिकाओं में जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाए तो यकृत कोशिकाएं इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित कर लेती है। इस क्रिया को ही ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। सेकेंड एक टर्म्स आती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो यकृत कोशिकाओं में संचित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। थर्ड टर्म्स आती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब यकृत कोशिकाएं कुछ वसीय अम्ल व एमिनो अम्लों आदि से ग्लूकोज का संश्लेषण करने की प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यकृत में तीन टर्म्सों का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसको यकृत कोशिकाएं ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेती हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में रक्त में जब शर्करा की कमी होती है तो यकृत कोशिकाओं में संचित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तथा कुछ यकृत कोशिकाएं वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल आदि से ग्लूकोज का संश्लेषण करती है, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। यकृत कोशिकाएं विटामिन ए तथा विटामिन डी व विटामिन B12 का भी संचय करते हैं तथा यकृत कोशिकाएं यूरिया का भी संश्लेषण करती हैं तथा यकृत कोशिकाओं से हिपेरिन नामक
प्रोटीन निकलती है जो रक्त में रक्त को रक्त धमनियों में जमने से रोकता है तथा यकृत कोशिकाओं से प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो हमें चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होती है। इकृत भ्रूणावस्था में रुधिर उत्पादन का कार्य करता है तथा वयस्क अवस्था में इसका विपरीत यकृत की कुपर कोशिकाएं लाल रुधिराणुओं को नष्ट करती है तथा प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण भी यकृत कोशिकाओं में होता है। यकृत ग्रंथि के बाद में अगली पाचक सहायक ग्रंथि आती है अग्नाशय ग्रंथि। यह ग्रंथि यकृत ग्रंथि के बाद मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है तथा इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है तथा पाचक ग्रंथियों में संपूर्ण रूप से पाचक रसों का स्रावित करने वाली ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि ही होती है। अग्नाशय ग्रंथि का आकार अनियमित प्रकार का होता है तथा ये ग्रहणी के मध्य भाग में अत्यधिक रूप से कार्य करती है तथा इसका निर्माण भ्रूण की एंडोडर्म से होता है तथा अग्नाशय ग्रंथि दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है या दो भागों से मिलकर बनी होती है। जो प्रथम भाग है उसको एसिनाई बोलते हैं। एसिनाई बहिःस्रावी प्रकार की ग्रंथि की तरह अग्नाशय में काम करता है तथा यह अग्नाशय रस का निर्माण करता है। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें है लैंगरहंस की डीप कोशिकाएं। इन्हें अंतःस्रावी भागों में देखा जाता है अर्थात अग्नाशय ग्रंथि को मिश्र ग्रंथि कही जाती है वो इन दो कोशिकाओं के कारण है तब बहिःस्रावी वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण कहा जाता है। लैंगरहंस की दीप कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। इन लैंगरहंस दीप कोशिकाओं से ही तीन प्रकार की कोशिकाएं निकलती है अल्फा कोशिका बीटा कोशिका व गामा कोशिका। लैंगरहंस दीप कोशिकाएं तीन प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं जिसमें से प्रथम कोशिका है अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका से ग्लूकोगोन हार्मोन का निर्माण होता है। ग्लूकोगोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। दूसरी कोशिका है बीटा कोशिका। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है तथा यह इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। कभी कभी हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो यह रुधिर में मिलकर या मूत्र के साथ शर्करा हमारे शरीर से बाहर निकलती है जिसे हम मधुमेह या डायबिटीज का रोग कहते हैं वो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तीसरी लैंगरहंस दीपी कोशिका थी गामा कोशिकाएं या इन्हें डेल्टा कोशिकाएं भी कहते हैं।
इनसे सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन व सीरोटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। ओके बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास में हम मानव के पाचन तंत्र की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। तब तक आप एनएस साइंस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, घंटी के आइकन को दबाइए एंड इस चैनल को शेयर करें। प्लीज शेयर करें।